नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है लेथ मशीन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह वीडियो मैकेनिकल एनसीडीटी आईटीआई या बायफोकल मैकेनिकल मेंटेनेंस मशीनिस्ट इन ट्रेड के लिए, एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एंड तक ये वीडियो देखो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चॉइस चूज करने का है। फर्स्ट ऑप्शन है द टूल यूज इन अ लेथ इज, ऑप्शन दिया है मल्टी कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सॉ टूथ कटिंग टूल, ड्रिल। इनमें से राइट आंसर है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये राइट आंसर है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के ऊपर मार्क कीजिए। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, ऑप्शन दिया है हेनरी म्यूडुलेस एंड, बी ऑप्शन दिया है इली विटनी, सी जेम्स नस्मिथ एंड डी माइकल फैराडे। इनमें राइट आंसर है ए हेनरी मेडुलेस। ये राइट आंसर है, ए के ऊपर मार्क कीजिए। थर्ड ऑप्शन है पॉलिशिंग लेथ इज द टाइप ऑफ, ऑप्शन दिया है ए इंजन लेथ, बी टूल रूम लेथ, सी हाई स्पीड लेथ एंड डी ऑटोमेटिक लेथ। इनमें राइट आंसर है हाई स्पीड लेथ। ये सही जवाब है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्पिंडल स्पीड ऑफ हाई स्पीड लेथ इज अराउंड, ऑप्शन दिया है 600 to 1000 RPM, बी ऑप्शन दिया है 1200 to 3200 RPM, सी ऑप्शन दिया है 200 to 2400 RPM एंड थर्ड ऑप्शन है 3500 to 4000 RPM। सही जवाब है 1200 to 3200 RPM। यह सही जवाब है बी, बी के ऊपर मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, टरेट एंड कैप्स्टन लेथ आर क्लासिफाइड अंडर, ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिक लेथ, सेमी ऑटोमेटिक लेथ, बेंच लेथ या टूल रूम लेथ। ये चारों में से इसका सही जवाब है सेमी ऑटोमेटिक लेथ। बी ऑप्शन राइट है, टरेट एंड कैप्स्टन लेथ आर क्लासिफाइड अंडर सेमी ऑटोमेटिक लेथ। ये सही जवाब है, तो बी के ऊपर मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड एंड टेपर टूल पोस्ट इज, किस चीज में ये सब इंस्ट्रूमेंट ये रहता है, क्रॉस स्लाइड, सैडल या टूल पोस्ट। ऑप्शन दिया है हेड स्टॉक, बी टेल स्टॉक, सी बेड, डी कैरेज। ये इनमें से सही जवाब है कैरेज। कैरेज के अंदर सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड एंड टूल पोस्ट रहता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क कीजिए डी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, नर्लिंग टूल, नर्ल इज अ डैश डैश, ऑप्शन दिया है ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, बी सॉ टूथ कटिंग टूल, सी एम्बॉसिंग टूल एंड डी पार्टिंग टूल। तो इसमें सही जवाब है सी एम्बॉसिंग टूल। नर्लिंग टूल इज एम्बॉसिंग टूल, जो आपके ऊपर एम्बॉस करते हैं इसीलिए इसे एम्बॉसिंग टूल कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, अ पार्ट यूजफुल इन
टर्निंग टेपर इज, टेपर टर्निंग में कौन सा पार्ट यूज करते हैं ज्यादा करके? ए ऑप्शन दिया है क्रॉस स्लाइड, बी कंपाउंड रेस्ट, सी सैडल एंड डी एप्रॉन। इसका सही जवाब है बी कंपाउंड रेस्ट। अ पार्ट यूजफुल इन टर्निंग टेपर इज कंपाउंड रेस्ट। बी के ऊपर मार कीजिए, कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कटिंग स्पीड इन द लेथ इज, लेथ मशीन के ऊपर कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? ए दिया है पाया डी एन डिवाइड 1000, बी दिया है डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L, सी दिया है पाया आर स्क्वायर एच एंड डी दिया है डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड 2 × L अपॉन स्मॉल एल। इनमें से सही जवाब है ए पाई डी एन डिवाइड 1000, ये सही जवाब है। तो इसके लिए ए के ऊपर मार कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म्स इन द लेथ इज, लेथ मशीन के ऊपर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन कौन सा किया जाता है? इनमें से ए दिया है मशीनिंग द फ्लैट सरफेस, बी ऑप्शन दिया है थ्रेड कटिंग, सी ऑप्शन गियर कटिंग एंड डी ऑप्शन दिया है ग्राइंडिंग। तो इनमें से इम्पोर्टेंट ऑपरेशन किया जाता है थ्रेड कटिंग लेथ के ऊपर, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर, थ्रेड कटिंग। ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेथ मशीन के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे अलग अलग मशीन के रोज आपको वीडियो मिलते रहेंगे टेक्समैक चैनल की तरफ से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू।